इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में एक सेटिंग मिल रहा है सो क्लिपबोर्ड एक्सेस का, तो ये सेटिंग्स क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। ये सेटिंग्स कैसे मिलता है, कहाँ पर मिलता है, इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर नीचे आएंगे, नीचे आने पर मिलेगा प्राइवेसी का ऑप्शन, इस पर करिएगा क्लिक। इसमें आप नीचे आइएगा तो यहाँ ऑप्शन मिल जाता है शो क्लिपबोर्ड एक्सेस का। आप देखिए ये सेटिंग्स क्या होता है, अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग इस तरीके से ऑन है या बंद है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी चीज़ दोस्तों कॉपी करते हैं, मैसेज, टेक्स्ट या इमेज या इमोजी वगैरह, तो वो दोस्तों क्लिपबोर्ड में तुरंत ही आपको शो कर जाएगा। जैसे देखिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, दिखा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैसेज में एक इमोजी भेजा गया है। अब देखिए अगर हम इस इमोजी को कॉपी कर लेंगे तो यहाँ दबाया और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं तो और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर कीबोर्ड को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड में तुरंत हमें यहाँ पर ये इमोजी शो कर दिया गया है। मतलब क्लिपबोर्ड जो है एक्सेस करके तुरंत यहाँ पर आपको शो कर देगा और इस पर क्लिक करके इसको आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पर क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों उस सेटिंग को ऑन रखते हैं तो जो भी चीज़ दोस्तों कॉपी होगा उसे क्लिपबोर्ड तुरंत जो है आपको दोस्तों शो कर देगा, अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके यूज करते हैं तो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।